भाई साहब ये दोनों क्यों घुमा रहे हो आप लोग? भाई साहब ये दोनों हमारे गोदाम में से कल मुर्गी मुर्गी चुरा के भगे हैं। ये क्या बोल रहे हो आप? गंदे गंदे काम करते हो। हाँ बात खत्म हो गई तो बात तो बताओ पूरी। भाई साहब मंगलवार की रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और ये दोनों कमीने मेरे गोदाम से कलमू ही मुर्गी लेके भाग गए। मुर्गा उसी दिन इंतजार में था मुर्गी के। बात सुन के मुझे लगा ये दोनों तुम्हारे साथ गलत करे और मुर्गी के साथ। तुम्हारे साथ गलत हुआ, बराबर हिस्सा मिलेगा बिल्कुल। तुम भी मारो, तुम भी मारो, डबल हिस्सा चलेगा। अब तुम्हारा दो हिस्सा बचा, दोनों मारो। अब तो हिसाब बराबर हो गया ना? हाँ भाई हिसाब बराबर। थैंक यू यार हिसाब बराबर करने के लिए। तुम लोग मुसलमान हो? तुम दोनों को पहले ही बता देना चाहिए तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें छूते नहीं, ऐसे छोड़ देते। सही बोल रहा हूँ, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया तुम्हें छूकर। अब हमें नहाना पड़ेगा घर जाके। ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें छूते नहीं, हम तुम्हें छोड़ देते, पर तुमने बताया नहीं। अब हम जाके नहाना पड़ेगा हमें। बंदा हूँ मैं अल्लाह का, नहीं लड़ना हमारा काम है, हर किसी का मदद करना, यही हमारा इस्लाम है। ऑटो भी यहीं रुकना था, मुझे अर्जेंट काम था यार। अब धक्का इसमें कौन लगाएगा? भाई मेरी सहायता थोड़ी कर दो, ऑटो में धक्का थोड़ा लगा दो। अभी लगा, अभी लगा रहे हैं। भाई मैं जब बोलूँगा तो मैं धक्का मारना। ठीक है भाई, ठीक है मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। हाँ बस मैं आने वाला हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। भाई मैं जब बोलूँगा तो धक्का मारना, ठीक है? नहीं भाई हम नहीं लगाएंगे। क्यों भाई? नहीं लगाएंगे। भाई बात तो बताओ क्या होगा? तुम मुसलमान धर्म से हो, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं एक हिंदू रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूँगा। मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरे एक दिन सहायता की जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं करेगा तुम्हारी। भाई मैं सोच लिया अब करना क्या है, अब सबसे दो कदम दूरी बनाए रखनी है। हेलो भाई, उठ तो भाई। दूधिया भाई साहब, मेरे दोस्त की भाई साहब एक्सीडेंट हो गया, भाई साहब प्लीज मत कर दो। भाई साहब बहुत उठ नहीं रहा मेरे भाई, दो आप हाथ लगा दो भाई साहब प्लीज। टाइम नहीं है, आप तो मेरी मदद कर दो। भाई साहब मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड गिर रहा, भाई साहब आप तो मदद कर दो उठाने प्लीज। भाई साहब हट। भाई साहब मेरे दोस्त की मदद कर दो, उसका ब्लड गिर रहा, भाई साहब प्लीज मदद कर दो। भगवान है कहां रे तू यार, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। भाई मैं तुझे कैसे बचाऊं यार, बड़ा भाई मेरी एक बात याद रखना, तू मेरे एक दिन सहायता की जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं करेगा तुम्हारी। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी।
यही अरदास है मेरी। लाओ भाई इसको। भाई साहब एक्सीडेंट हो गया, प्लीज भाई साहब बचा लो, आप ही अब आखिरी बैठे हो भाई साहब। जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मगदा मैं तेरी। आप अपने दोस्त को घर ले जा सकते हैं। भाई मैं चलता हूँ, ठीक है भाई। भाई उस दिन आप प्रॉब्लम में थे तो हमने आपकी सहायता नहीं की थी, पर आज हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपने हमारी सहायता की, ना धर्म देखा ना जात देखा, आपने इंसानियत समझ कर हमारी सहायता की। भाई हमने आपको उस दिन बहुत बुरा भला बोला था, क्योंकि हर एक मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं एक हिंदू रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूँगा। मुसलमान आतंकवादी होता है ये मैंने बहुत गलत कहा था। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, जब किसी के घर में माँ बहन के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं वो हिंदू है या मुसलमान, जब उसकी पुलिस मदद नहीं करती है, दुनिया वाले मदद नहीं करते हैं, तो अपनी नज़र में तो सही रहता है मगर दुनिया की नज़र में आतंकवादी बन जाता है। कभी सोचा हम घर में इतने सुकून से कैसे सोते हैं, बॉर्डर पे हमारे सैनिक न वो अपने आप को हिंदू मानते हैं न मुसलमान मानते हैं, वो अपने आप को सच्चा देशभक्त हिंदुस्तानी मानते हैं। भाई आज के बाद हम किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे और सबकी मदद करेंगे। अधर्म के नाम पे लड़ते हैं धर्म को भूल जाते हैं, अधर्म के नाम पे लड़ते हैं धर्म को भूल जाते हैं, सब मिट जाने के बाद वो बैठ के पछताते हैं। भाई मैं समझ गया हूँ, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा होता है इंसान, और आपने हमारी इंसानी की मदद की, इसके लिए शुक्रिया भाई जी। और मैं समझ चुका हूँ कि धर्म और मैं फ़र्क कभी नहीं करना चाहिए और लोगों को एकता में रहना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को मिलाता है और एकता में अनेकता का स्वरूप है। मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू हो, है दोनों इंसान। ला तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरी कुरान। दोस्त मेरे दिल में तो एक ही ख्वाहिश है, एक ही थाली में खाए सारा हिंदुस्तान। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे की मदद करें, हिंदू मुस्लिम में फ़र्क ना करें प्लीज़ दोस्त, हम एक हिंदुस्तानी।